प्रशिक्षण सेवा जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग डीसी नैन्सी सहाय ने मुख्यमंत्री सारथी योजना घरत रवाना किया है समाहरणालय से। इस योजना से युवाओं और युवतियों को बहुत लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं यहाँ की डीसी क्या कह रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि इस योजना के तहत पूरे झारखंड में लगभग 80 सेंटर हैं जहाँ पे युवा और युवकों को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस स्किल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे युवा जिन्हें इनकी नौकरी नहीं लगी है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आइए सुनते हैं यहाँ की डीसी और जो लेबर ऑफिस में काम करते हैं वो क्या कह रहे हैं। कौशल केंद्र न्यूनतम पाठ्यक्रम की अवधि 576 घंटे और 6 माह ये आवासीय है। केवल झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के लिए मैडम इसके बारे में थोड़ा इस 50 रथ को रवाना किया गया है कौशल विकास के लिए। देखिए ये झारखंड सरकार श्रम नियोजन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री सारथी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग ज़िले में 18 से 35 वर्ष के जो युवक युवतियों हैं उनका कौशल प्रशिक्षण कराने का प्रस्ताव है। उनको स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने का प्रस्ताव है। आरक्षित वर्ग के लिए 50 वर्ष तक की उम्र सीमा तय की गई है। उद्देश्य ये है कि हम लोग ज़िले में जो हमारे युवक हैं युवती हैं जो पढ़ाई करके आगे कुछ करना चाहते हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग हम कराएं, उनको कौशल विकास के प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित करें और उन्हें एक रेलेवेंट और एक उपयुक्त रोजगार के साथ जोड़ें। आज 33 लोगों को तीर्थ यात्रा पर रवाना। हाँ, क्या है इस योजना के बारे में और कब से चल रहा है कौशल विकास योजना, इसके बारे में बताएं। कौशल विकास योजना तो पहले से ही चल रही है लेकिन अभी जो फिलहाल जो अभी नई योजना आई है मुख्यमंत्री सारथी योजना वो पूरे प्रदेश के ब्लॉकों में संचालित की जाएगी। पहले होता था कि जिले के कहीं जगह पे सेंटर चलाया जाता था लेकिन मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत एक बिरसा योजना है उसमें अभी फिलहाल पूरे झारखंड से 80 ब्लॉकों का चयन किया गया फिलहाल पहला फेज में और वहां 80 जो पिछड़े ब्लॉक हैं उनका चयन किया गया है और वहां के युवक युवतियों जो उनकी उम्र 18 से 35 वर्ष तक है उनको निःशुल्क बिल्कुल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत हजारीबाग जिले में भी हम लोगों ने 5 ब्लॉक का चयन किया है जिसमें कटकमदाग, कटकमसांडी, चुरचू, पद्मा और केरेडारी को लिया है।